हाँ, सबसे पहले तो मैं कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से मीराबाई चानू मणिपुर से है, वेट लिफ्टिंग में जो सिल्वर मेडल मिला, और लवलीना बरगोहाई असम से बॉक्सिंग में जो ब्रॉन्ज मेडल मिला, उन दोनों को नॉर्थ ईस्ट का तरफ से, नॉर्थ ईस्ट कराटे फेडरेशन का तरफ से और कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया का तरफ से बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। और हाल ही में मैं दुख थोड़ा हमारा कराटे एसोसिएशन का तरफ से भी प्लेयर का तरफ से दुख है, क्योंकि हमारा भी एक कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया का तरफ से एक प्लेयर ओलंपिक में जाना था, अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाया, क्योंकि जो आज जापान में जो ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ये कजाकिस्तान का लड़का, उसका नाम है दर्कन असादेवलोव, वो जो है 2019 में एशियन चैम्पियन में हमारा राजा यांगपो अरुणाचल से जो सिलेक्ट हुआ था, वो उनको हराया था। तो आज राजा यांगपो भी ओलंपिक में गेम खेलना था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग का जो फेडरेशन जो है डिस्प्यूट का वजह से, क्योंकि कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2013 से चल रहा है, बहुत अच्छा खासा चल रहा था, तो बीच में ऐसे एक हमारे जो सीनियर और इसका डिस्प्यूट का वजह से आज हमारा एक प्लेयर राजा यांगपो अरुणाचल से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना था, और जिसको या राजा यांगपो ने हराया था वो आज ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला। इसलिए मैं बहुत अरुणाचल का तरफ से स्पेशली बहुत दुख है और कराटी फैमिली से बहुत दुख है। ये इन प्लेयर्स का गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा हम लोग का गलती है, और इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, ओलंपिक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अगर सही समय सही टाइम में जल्दी से जल्दी अगर नेशनल फेडरेशन डिक्लेयर कर देता है, तो मेरा लड़का आज ओलंपिक में गेम खेलना था। इसलिए मैं मेरा तरफ से कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया का तरफ से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उन सबको, जो भी एसोसिएशन अभी जो हाल ही चल रहा है, इनको जल्दी से जल्दी नेशनल फेडरेशन रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, और उनको हैंगिंग पेंडिंग करके नहीं रखना चाहिए कि अभी तीन तीन चार चार साल से आप वो पेपर देखने में लग जाएगा, तो प्लेयर के लिए बहुत सफ़र होता है। मेरा बिल्कुल विनती है, अपील है इसको, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पेशली हम लोग का अभी देश का प्रधानमंत्री से, अगर हमारा ये न्यूज से प्रधानमंत्री से मोदी जी को ये मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, अगर ऐसे होते रहेगा, कराटे एक वर्ल्ड लेवल में पॉपुलर गेम है, अगर ये नॉर्थ ईस्ट से स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से कराटे आज नॉर्थ ईस्ट से मणिपुर और असम से मेडल आ रहा है, और अरुणाचल में भी अगर हमारा बिना एक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम नहीं है स्टेट में, पर भी हमारा लड़का आज इंटरनेशनल नेशनल में जा रहा है खेलने का, नहीं अपना अपना क्लब बना के खेल करके मेडल ले रहा है, तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं हम लोग का जो बच्चा लोग करने चाहता है, पर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो पद में है, जो हाई पद में है, वो कहीं ना कहीं डिसीजन, मैं उनको गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन हर चीज़ को अगर समय से फैसला कर देता है तो आगे जाने में बिल्कुल जल्दी से जल्दी उसको अच्छा होगा। तो इसीलिए ये चीज़ जो है कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया हम लोग लास्ट 2019 से सफ़र हो रहा है, जब से 19 से सफ़र हो रहा है कि नेशनल फेडरेशन हम लोग को ओलंपिक ने डी रिकॉग्नाइज कर दिया था, तो डी रिकॉग्नाइज होने का वजह से हम लोग आज तक न किसको किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं दिया, आज तक हम लोग एक सही फेडरेशन होते हुए भी हम लोग आज इसी राजा यांगपो जैसे आदमी को, प्लेयर को, इंडिया का एक मेडल था खो गया, तो इसके लिए मैं बहुत अफसोस हूँ, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर उन सबको अपील करता हूँ, जो भी हो जो एडमिनिस्ट्रेटिव में है, इनको जल्दी से जल्दी जो डिस्प्यूट है इसको सॉर्ट आउट करके बच्चा लोग के फ्यूचर के लिए सोच करके जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। मैं कराटे एसोसिएशन, अगर मेरा जो इस चीज़ में मैं गलती भी बोला हो, मैं इमोशनली और दुख प्रकट किया है जो आज ओलंपिक गेम देख करके,
इसलिए अगर मेरा कोई गलती भी हो गया तो हमें क्षमा करो, और ये मेरा बिल्कुल दिल से मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। आपने जो बताया कि हम लोग का जो लड़का था राजा यहाँ को, इसको मेडल मिलना था शायद, हम लोग को भी सुन के बहुत दुख लगा है सर। आप लोग का शायद ऊपर का जो हाई लेवल टीम का वो शिकार हुआ है जो राजा यहाँ को है सर, उसको जैसे कि हम लोग का स्टेट में जो प्लेयर होता है कराटे प्लेयर, वो लोग को आप कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया कैसे फाइनेंशियली मदद करते हैं सर? ये फाइनेंशियली हम लोग का एसोसिएशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे अरुणाचल कराटे एसोसिएशन, इन लोग को हम लोग नेशनल तक पहुंचाना ये कराटे अरुणाचल कराटे एसोसिएशन को पड़ता है। फिर अगर नेशनल लेवल में सिलेक्ट हो जाता है, फिर वो अपना बेस अपना मैनेजमेंट से जाता है, और सकता है हम लोग फेडरेशन स्टेट वाला अगर सकता है तो फिर भी स्टेट वाला हम लोग जो सीनियर लोग हैं, और हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट भी इसको मदद करता है, कोई इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेट करता है अगर वो करके आता है वो कुछ रिमवर्स भी कर देता है, तो अरुणाचल से गवर्नमेंट से मिनिमम कुछ सपोर्ट तो मिलता है। लेकिन हमारा फेडरेशन कम्प्लीट, पहले आपको बताया फेडरेशन का जो डिस्प्यूट का वजह से हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स एंड यूथ से कुछ फैसिलिटी भी नहीं ले सकता है, और हम लोग को डिसीजन भी नहीं दिया, आज तक हमारा फाइल पेंडिंग है। मैंने हाल ही में दिल्ली में 2-3 महीना बैठ के आया, जबकि इन लोग ने खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने हमको ऑर्डर दिया था कि आपका इलेक्शन जो है रीकराओ, उनका ऑर्डर देने के बाद इलेक्शन हमने करा दिया। कराने के बाद मैंने पूरा सबमिट किया, तो सबमिट करने के बाद आज तक हमको रिकॉग्नाइज ना, हमको नहीं देगा भी नहीं बोलता है, देगा भी नहीं बोलता, आज तक हमारा पेंडिंग है। तो अभी 2-4 दिन में अगर केरला हाई कोर्ट भी उनको ऑलरेडी हमारा पेपर में दिया है, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पेपर में दिया, तो अभी मैं फिर अपील करता हूँ उसको गवर्नमेंट ओलंपिक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मैं अभी फिर बताता हूँ कि हमारा ये सही है। तो अगर इस चीज़ को जल्दी से जल्दी अगर नहीं देगा, फिर हमारा प्लेयर अगले 3 साल, क्योंकि एक प्लेयर बनाने के लिए 3-3 साल लगता है, मिनिमम 3 ईयर्स लगता है, तो 3 ईयर्स हम अगर एप्लीकेशन करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओलंपिक का ऑफिस में हम चक्कर करते रहेगा, तो मैं प्लेयर को बनाएगा? हम लोग प्लेयर करें, मैं खुद कराते में 42 ईयर्स डेडिकेट किया, हम प्लेयर का दुख को हम जानता है, मैं कभी कभी बहुत दुख लगता है, और इन लोग समझता नहीं क्यों एप्लीकेशन नहीं दे रहे, किस लिए नहीं दे रहे, क्या चीज़ के लिए नहीं दे रहे, हम समझ में नहीं आता क्यों कर रहे, नहीं समझ में नहीं आता। तो इस चीज़ को उन लोग समझना चाहिए, पूरा देश में इंडिया इतना 100 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन, इतना प्लेयर है, हम लोग करने चाहने से भी हम लोग को एक रुकावट, माइंड फ्री नहीं होता। अगर हमारा फेडरेशन ओलंपिक इंडियन ओलंपिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको दे दो, हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में 3 ईयर्स में हम इंटरनेशनल ओलंपिक कराटी से हम निकाल देगा, ये मैं चैलेंज है, मैं लिखा तरह चैलेंज से बोलता हूँ, इसको निकाल देगा अगर हम लोग को सपोर्ट करता है ये सिस्टम। हमको सपोर्ट कुछ चाहिए भी नहीं, हम लोग को सिर्फ रिकॉग्नाइज दे दीजिए। अगर आप इस चीज़ को 3-3-4 साल रखेगा रिकॉग्नाइज करने में, तो कैसे प्लेयर कैसे होगा? वो प्लेयर अच्छा वर्ल्ड लेवल में स्टेटस में पहुंच के भी डाउन हो गया। अभी राजा यहाँ को एग्जाम्पल देखो, एशियन चैंपियन जो वर्ल्ड चैंपियन नंबर 1 को उसने हराया, एशियन चैंपियन कराटे एशियन चैंपियन में उज्बेकिस्तान में, अगर उस लड़का को 2019 से हम कंटिन्यू करता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ओलंपिक हमको डी रिकॉग्नाइज नहीं करता, कंटिन्यूज करता, आज टोक्यो में हमारा लड़का होना था। तो कभी कभी हम लोग बहुत एग्जैक्टली हर चीज़ को उन लोग भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम तो कराटे का बारे में हम लोग ऐसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं आया, हम लोग कराटे करके खुद प्लेयर होकर, प्लेयर होने के बाद आज हम प्रेसिडेंट कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, तो हम लोग दुख है। तो कभी हम लोग मिलता है इन लोग सोचता है, क्योंकि कराटे में बहुत सा ऐसे जो है 6 दान 7 दान मिसगाइड करके ऐसे वहाँ ऑफिसर को भी मिसगाइड करता है, तो हमें ये बोलता है कि इस चीज़ को ज़्यादा नहीं देखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ओलंपिक इसको देखना नहीं, बोलने वाला हजारों बोलेगा, क्योंकि कोई कोई एक इंडिविजुअल कराटे एसोसिएशन खोल करके वो काम चला रहा है, और कराटे एसोसिएशन इंडिया 2013 से उसका अचीवमेंट देखो, कंटिन्यूस मेडल ले रहा है, एशियन गेम खेल रहा है, कॉमनवेल्थ गेम खेल रहा है, और वर्ल्ड चैंपियन खेल रहा है, कंटिन्यूस खेल रहा है,
तो आप उसको नहीं देखेगा, दो आदमी उधर से बोल करके बोलेगा एक साल पहले से रजिस्ट्रेशन किया, आज हम फेडरेशन बन गया, प्लेयर कहाँ से होगा? वो तो जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इम्पोर्टेंट मिलेगा, लेकिन प्लेयर का इम्पोर्टेंट मिलेगा नहीं। हम लोग को प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से कोई मतलब नहीं, हमारा प्लेयर आगे चलना चाहिए, हमारा प्लेयर खेलने मिलना चाहिए, मैं तो ये सोचता हूँ। तो इसीलिए इस चीज़ को मैं बहुत दुख से आज बहुत दुख लगा है कि इस वर्ल्ड चैम्पियन में हमारा इंडिया से कराते जा नहीं पाया, ये सिर्फ बिकॉज ऑफ हम लोग का ही गलती, प्लेयर का गलती नहीं, हम लोग का ही गलती है सर, इसलिए मैं दुख हूँ। सर हम लोग का स्टेट से किरण रिजिजू जी सेंट्रल में मिनिस्टर रह चुके हैं स्पोर्ट्स का, उनसे आप लोग का कैसे एक्सपेक्टेशन था और उनका रिजल्ट कैसे मिला है? देखो हम लोग का ये बोला है बहुत फाइल पेंडिंग है। हाँ देखो हम लोग का स्पोर्ट्स का मिनिस्टर तक अगर कागज पेपर नहीं पहुँचेगा वो भी क्या करेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है जो गवर्नमेंट जो बाबू लोग होता है जहाँ ऑफिसर होता है, इन लोग अगर सही उनको नहीं बताएगा, उन लोग अगर सही कागज नहीं पहुँचाएगा तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी तो क्या कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए हम इसीलिए आगे इस चीज़ के लिए हम अभी जो चला गया उस चीज़ के लिए हम हो गया जो भी हो गया उसको बोल के भी फायदा नहीं है, लेकिन आने वाला दिन जो अभी भी बाकी है, प्लेयर अभी भी उत्सुक है आने वाला दिन में वर्ल्ड चैम्पियन खेलने के लिए, बिल्कुल उत्सुक है। तो इसीलिए इस चीज़ 3 साल हमारा पूरा बर्बाद कर दिया, तो अभी आने वाला दिन के लिए बर्बाद नहीं होना है। अभी से अभी मैं वही है कि अभी जो नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया है पद में अभी संभला है अनुराग ठाकुर जी, और स्पेशली जो मोदी जी प्रधानमंत्री, मैं एक ट्राइबल है लोकल इधर अरुणाचल से हूँ, क्योंकि अब तक मोदी जी तक हम लोग पहुँच नहीं पाता है, ये कि हमारा आवाज़ पहुँचेगा होगा उनको, कि उससे विनती है ये कि स्पेशली ये कराती नॉर्थ ईस्ट में कराती जो है बहुत पॉपुलर है, नॉर्थ ईस्ट में कराती जो पॉपुलर है, और नॉर्थ ईस्ट का लड़का बहुत इंटरनेशनल नेशनल खेला है, और ये 2-4 आदमी लोग का वजह से हमारा कराती को बर्बाद नहीं करना, और हर चीज़ माननीय ऑनरेबल कोर्ट हमको सब निर्णय दिया कि हमारा लीगल है। तो इसीलिए इस चीज़ को जल्दी से जल्दी विद इन शॉर्ट टाइम में हमारा फेडरेशन को नेशनल फेडरेशन, कराटे एसोसिएशन को नेशनल फेडरेशन जल्दी से रिकॉग्नाइज कर दीजिए, और हमें 3-4 साल का अंदर में हमको क्वेश्चन कीजिए, आपने ऐसे बोला था क्या हुआ, हम करके दिखाएगा।